वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन बाय हार्ट। तो आज हम निकल रहे हैं एक फार्म के लिए, तो वहाँ आपको लेके चलेंगे साथ में। अभी कब से मैं बोल रही हूँ कि जल्दी चलो, बिकॉज गर्मी बहुत ज़्यादा, हीट बहुत ज़्यादा है, धूप है। तो मैंने बात लिया और मैं ऐसे ही निकल रही हूँ। मैंने सोचा जब जाके टैन ही होना है तो क्या ऐसे सिंपली जाओ। तो आपको चल के दिखाते हैं। ग्रेप्स, नमकीन, आई थिंक वाटर बॉटल्स में इसमें नहीं रखूंगी, मेरा बैग खराब हो जाएगा। पर अपना फोन, ऑफिस वाला, ऑल सेट, यार ऑल सेट, कार की, दिस इज द हाउस सेट। सो मिलते हैं आपसे फार्म में। इट्स लाइक 1 आवर ड्राइव एंड तो अभी निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हम बिल्कुल, मैं पूरे अपने बैग पैक के साथ निकल रही हूँ। और यहाँ देख लो, अभी भी लोग रनिंग कर रहे हैं दोपहर में 12 बजे। इतनी धूप में लोग रन कर रहे हैं, मतलब कितना स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन है ना इनमें कि अभी भी रनिंग कर रहे हैं लोग। वैसे आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस प्लेस, क्योंकि बहुत दिनों से मेरा मन था यहाँ पे जाने का। और रनिंग करेंगे आप इतनी धूप में? कितना 2 आवर ड्राइव है हमारी। तो अभी हम निकल रहे हैं अपने कम्युनिटी से और हमारी 2 आवर ड्राइव है। तो चलो, इट्स गुड कि हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है और थोड़े बहुत हमने स्नैक्स ले लिए हैं। तो विच इज़ गुड। और आप मौसम देखो कितना गर्मी है अभी। कितना टेम्परेचर था प्रवीण? 30 ना? Yes. यहाँ हमेशा मैक्सिमम 30 ही रहता है, बट आज अनफॉर्चुनेटली 30 हो गया है। कोई गाना चेंज तो करो आप, इतने इंटरेस्टिंग जगह जा रहे हैं हम लोग। क्या लगा रखा है? तो ये हमारी लोकैलिटी है, हम अपनी कम्युनिटी से जस्ट निकले हैं और कितनी खूबसूरत है हमारी लोकैलिटी। मुझे कम्युनिटी को एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं, मैं खुद कर दूंगी। अच्छा, क्योंकि है ही सुंदर। फाइनली ये अच्छी बात है कि एटलीस्ट रीशेड्यूल हो गया फॉर 3 o'clock। थोड़ा वॉल्यूम आप धीमे करो, मैं बात नहीं कर पा रही। मैंने बोला कि जो हमने गलती करी इनिशियली, एटलीस्ट वो मैनेज हो गया। 3 o'clock रीशेड्यूल हो गया तो जिससे हम लोग टाइम पे पहुंच पाएंगे, अदरवाइज हमारा 1 hour का टूर मिस हो जाता इतनी दूर जाके भी। अभी आपने देखा नहीं, अपने कम्युनिटी में लोग रनिंग कर रहे थे, इतनी धूप में भी वो रनिंग करते रहते हैं। आप देखो, आपको भी धूप लगती है। मैं तो नहीं बैठ सकती। यहाँ डॉग के लिए लोग बहुत क्रेजी रहते हैं। देखो, अब इफ माई डॉग डजंट लाइक यू, नीदर डू आई। सी, दैट्स हाउ देयर पैशन फॉर डॉग इज। पहली बार आज आपने मुझे करेक्ट किया, अदरवाइज मैं हमेशा करती हूँ। गुड जॉब।
आपको इसी पे 0.6 माइल पे आपको राइट लेना है, शेल्डन रोड पे क्या? हाँ देख रहे हैं ये लोग कैसे, मेरे को बहुत ही क्यूरियोसिटी थी पहले कि ये वाटर में कैसे इतने अच्छे रोड बना लेते हैं, तभी मुझे आइडिया लगा कि वो पहले ब्रिज पार्टीशन करके बनाते हैं, फिर उनको जोड़ते हैं, पहले पिलर्स खड़ा करते हैं और इतनी ज़्यादा मशीनें इन्होंने लगा रखी है जल्दी जल्दी फिनिश करने के लिए। दिन में भी उतने ब्यूटीफुल आ रहे हैं। यहाँ पे भी उतने दूसरे रोड की जरूरत भी नहीं है, फिर भी बनाए जा रहे हैं। ये ऑलरेडी देखो अब इतनी ट्रैफिक नहीं है, बट स्टिल दे आर डूइंग द कंस्ट्रक्शन। तो अब हम अमेरिका के गांव में पहुंचने वाले हैं। आपने कई वीडियोस में हमें देखा होगा कि हम गांव जरूर जाते हैं, कभी यूके के गांव में तो कभी यूएस के गांव में। तो आज हम यूएस के गांव में जा रहे हैं और बताते हैं आपको कि कहां एग्जैक्टली जा रहे हैं, बट तब तक आप लोग ये नज़ारा देखिए कि गांव भी कितना खूबसूरत है। गाँव में घर के आगे ये जो क्या बोलते हैं मेल बॉक्स है ये, क्योंकि सबके देखो आप बिल्डिंग्स नंबर लगे हैं यहाँ पे, मतलब अपार्टमेंट नंबर या जो भी शायद हाउस नंबर। ये देखिए हाउस नंबर सबके मेल बॉक्स पे, ऐसे यहाँ पे किसी के घर अंदर जा नहीं सकते क्या? जा सकते क्या ऐसे? इन्होंने जंगलों में अपना एंट्रेंस बनाया क्या? रात को ये निकलते कैसे होंगे? कोई यौन भी करने लगा 2 आवर ऑफ ड्राइव के बाद,
और अभी एक्साइटमेंट बची है या खत्म होगी? अभी तो तीन घंटे का टूर है हमारा। मैं तो यही सोच रही हूँ इतनी हीट है, 3 आवर्स के टूर में मुझे कहीं मतलब गिटनेस जैसी फील ना होने लगे, बिकॉज मुझे होती है हीट वेव, मुझे लगती है। यहाँ के लोगों को तो कुछ लगती नहीं है, यहाँ के लोगों को तो मतलब कि टैन होना है, मुझे टैन होना है, और मुझे तो ऐसा कुछ है नहीं टैन होने का। तो अभी 2.1 माइल के बाद राइट है ना हमारा, ध्यान से चलो। फाइनली हम पहुंच रहे हैं अपने डेस्टिनेशन पे, और आगे आगे देखते जाइए क्या होता है, बने रहिए हमारे साथ। प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट होना चाहिए। चलो फाइनली आ रहे हैं, पहुंचने वाले हैं। पहुंच गए, काफी क्राउडेड है। वो हमारे जो पीछे वाले थे वो भी लग रहे यहीं आ रहे थे। जल से कर देंगे ना, कैसे बनाया है भाई इतना? ये लोग आए ये देख लो भाई, यहाँ की गाय ये नहीं देखे कंगारू। कंगारू तो छोटे हैं। हाँ छोटे हैं। पर हेंस के साथ कैसे कर रहे हैं ना? ऐसा ही है। This is 25 acres. फूड ट्रक सो गाइस हम लोग सब ऑयली है यार, ये तो ऑयली तो नहीं खा रहा।
ये तो नहीं खा सकते। ये क्या दी? ये देख लो अमेरिकन ट्रैक्टर। जाओ साफ करते होंगे यहाँ पे। पूरा स्टेप बाय स्टेप दिखाया है, वो लोग कर भी नहीं है। Yeah. So basically, you buy a bag. From their little stand over there. Okay. And they'll give you this little sifter. Oh, they will give you this. Yeah, they'll give you a sifter, a big bag of this. Okay. And they'll give you a little thing that tells you what all of them are. A long thing comes in the bag. दिव्या अभी वहां समझ रही है कैसे क्लीन करना है इसको। और ये रियल के यहाँ पे होंगे कॉन्फिडेंस। कबूतर को क्यों पालेंगे? कबूतर है। हेलो हेलो, इधर आओ इधर। माय गॉश, फाइनली यहाँ आ गए हम। यहाँ आपको लगाया मूड हो सकते हैं। बड़ी स्मेल आ रही घोड़ों वाली यार, आपको आ रही स्मेल? पता रहता ना तो मैं स्मॉल वो लेती। क्या पता एक में भर इसका। एप्पल निकाल के भी खाई, जब मैंने बाद में रीड किया तो मुझे पता चला कि
वो तो एनिमल्स को फीड करने के लिए, और प्रवीण ने बड़ा बकेट ले लिया कि खुद को खाना होगा। जब मैंने बताया तो प्रवीण को पता चला वो सबके सामने करेगा, तो फिर उन्होंने बकेट नीचे रख दिया। Yes, awesome. I mean, low expectations, right? No, I appreciate it. It's my first day. No, I'm okay. So we do take about 45 minutes to go around. Maybe we do stop a few times along the way. I tell you a little bit about the family, a little bit about the growth. Then we go in the back and get Bigfoot territory. All right, so last week we did see 4 Bigfoot out there. So you guys got to keep your eyes open. After Bigfoot, we go into the back and we get all our bigger and larger animals, exotic animals. I see some buckets. When we get out there, you guys can feed anything out there. Get anything in the buckets. We might have to finish the buckets out there. A lot of the animals back here in the farmhouse. We ask you all to bless this movement, everybody remain seated. Walking on uneven road and it bounces around a lot. Once I stop, feel free to get up, dance with each other, take selfies, post whatever you gotta do. Is it kills some of the chlorophyll, causing it to go yellow, and then when it's completely dead, it goes orange. Okay, so it's not completely all the way around. It depends on the weather. So when you're coming out here, you're not looking for the fruit by color, by eye. You're going to grab all the fruit. You can pass that around. ये कौन सा, ये बफेलोज, और ये दूसरा जो लंबा सा है अलग, पता नहीं क्या है, ये भी कुछ और ही है, भैंस थोड़ी याक टाइप लग रहा है। ये वो है जो जंगली में उसमें आता है, डिस्कवरी में, ये डिस्कवरी में देखा, ये डिस्कवरी में याक है, डिस्कवरी चैनल पे भी आता है, मतलब बफेलो दिख रहा था दूसरे। ये अमेरिका में देखिए, जब वो ज़ेब्रा, ये आई डोंट नो, ये बफेलोज है या के बफेलोज, देखना बहुत बार तुमने देखा होगा, वो खाता रहता था। ये क्या एनिमल है, मुझे देखिए, अरे इनको फीड तो करूँ, फीड करके मैं लेती लेती ना फोटो। प्रवीण एनिमल्स को फीड करने के लिए लिया है ना, तुम उसे भेजो आप, वो आ रहा है पास, इट्स कमिंग क्लोज, फेंको, फेंकते रहो ना, कुछ और लेके आ रहे हैं, फीड करते हैं, ये नहीं करता हूँ। अच्छा, ये पर है क्या, सा एनिमल है, लो मैं फेंक रहा हूँ, फिर से करो, प्रवीण फीड कर रहे हैं एनिमल्स को बकेट लेकर, अपनी हरियाणवी भाषा में बताओ। I'm from Vermont. I had no idea that these animals, they like oranges and everything, but they do live in Houston. बस करो भाई, अरे वहां भी तो खिलाएंगे ना, खिलाओ इसको।
लेके हुई है अपना गधा ये तो गधे की आवाज़ है दूर से खिलाओ आप ए, मार क्यों रहे उसको खिला दो ये तो भूखा लग रहा है क्या है छोटा सा ऑस्ट्रिच ऑस्ट्रिच तो खा नहीं रहा देख रहे होंगे कि ऑरेंजेस कैसे गिरे हैं यहाँ पे और ये छोटे होते हैं ऑरेंजेस यहाँ पे और ये बोल रहे थे कि ओरिजिनली ये एशिया से ओरिजिनेट हुए पर यहाँ पे इन्होंने स्टार्टिंग करी आप देख सकते ऑरेंजेस को और यहाँ पे कितने खराब भी हो गए तो आपको अब तक तो पता लग ही गया होगा कि हम कहाँ आए थे तो हम आए थे सिट्रस शो में जहाँ ऑरेंजेस के सारे ये ट्रीज हैं और उस ट्रक से हम अपने टूर लेने गए थे जहाँ हमने एनिमल्स को भी फीड किया अभी कुछ और एनिमल्स को हम जा रहे हैं फीड करने गाय माता को खिला लिया मैंने अपनी कोशिश खिलाना ये खिला दे सारा
अपनी कोशिश की मैंने। चलिए उधर चलिए फिर, चलिए जा रहे हैं हम लोग। अभी टूर लेकर आए, हमारा करीबन 1 आवर का टूर था। अच्छा था, काफ़ी एक्सपीरियंस। फार्म देखा, ऑरेंजेस को देखा। प्रवीण को इतनी ज़्यादा हीट वेव्स लग रहे हैं कि प्रवीण अपनी जगह बना के बैठ गए। प्रॉब्लम ये है कि वेजिटेरियन ज़्यादा ऑप्शंस हैं नहीं। बैठ जाओ, छोड़ दे, ले चलेंगे हमारे काम। में ढेर सारे बकेट्स देखे विद फ्रूट्स, और इन्होंने बिल्कुल हम लोग हम ये कार्ड भूल गए, मतलब मेरा भी कार्ड यही रखते तो ये भूल गए। तो फिर हमने सोचा कुछ तो जुगाड़ लगाया पेमेंट करने का, तो इन्होंने निकाला मैंगो से पे करते हैं। पेमेंट हो गई, इन्होंने बोला दिव्य तुम आइसक्रीम खा लो, मैं कोल्ड ड्रिंक ले लेता हूँ और ये फ्रूट्स। तो मैंने भी इतना ध्यान नहीं दिया, रीड नहीं किया, मैंने सोचा ठीक है। जब वहाँ पर बिलिंग काउंटर पर गए, ऑलरेडी बिलिंग करा रहे थे, देन सेलर जो होती है शी वॉज टेलिंग समवन एल्स कि एनिमल्स को फीड कराने के लिए ये बकेट $10 $20 ये है। और हमने क्या सोचा, उसमें एक छोटा भी था ग्लास में फ्रूट्स कैरेट $4 का और $10 का छोटा बकेट, बड़ा वाला मतलब $20, उसको वो लोग कह रहे थे क्लेन करके। तो तब मुझे समझा कि इन्होंने जो खाने के लिए लिया है वो एक्चुअल में खाने के लिए नहीं है, वो है एनिमल्स को फीड कराने के लिए। और जो आइसक्रीम वो पूरी गल गई थी, तो जैसे हमने बस पे बैठे ढेर सारे बच्चे थे और वो मुझे ऐसे स्टेयर कर रहे थे क्योंकि आइसक्रीम मैं खा रही थी, गल रहा था, मैनेज करना टफ था, शूट भी करना था मुझे। फिर उसके बाद अब पता चल गया कि जब वो फ्रूट्स खा नहीं सकते, और मैंने एक बाइट एप्पल की ले भी ली बोर्डिंग करते टाइम, एंड देन पीपल वर स्टेयरिंग मी, तो आई डिडंट रियलाइज कि ये तो एनिमल्स को फीड करने का है। नहीं नहीं सॉरी, मुझे पता चल गया था बट मिस्टेकनली मैंने खा ली, दिमाग से निकल गया था। फिर लोग मुझे देखे पर मैंने इग्नोर कर दिया, इतना ध्यान नहीं दिया। अब तो पता चल गया था मुझे कि एनिमल्स को फीड कराने के लिए। देन आई एम कैरिंग माई बैग, फिर कोल्ड ड्रिंक, देन आइसक्रीम, एंड देन फिर एनिमल्स का मतलब फीड बकेट। और फिर मैं इनको पूछ रही थी कि आप अब क्या कर रहे हो। पहले उन्होंने बोला कि 3 आवर्स का टूर है दिव्या, और था वो 1 आवर का। फिर उन्होंने बोला कि खाने के लिए फ्रूट्स का बकेट ले लेते, और वो था एनिमल्स के लिए फीड बकेट, क्योंकि वो वॉश्ड भी नहीं था, रेड सिग्नल। तो thank you for watching our video, please like, subscribe and comment on our channel if you like our content, and keep loving us.